नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। क्या आपने व्यापम स्कैम का नाम सुना है? ये एक एग्जामिनेशन, एडमिशन और रिक्रूटमेंट से जुड़ा स्कैम था जिसका खुलासा मध्य प्रदेश में 2013 में जाके हुआ और पूरे 1990s में ये चल रहा था और इसके जो विसिल ब्लोअर थे वो डॉक्टर आनंद राय थे। इस स्कैम में काफी कुछ जुड़ा था, जैसे कि एग्जाम में प्रॉक्सीज एग्जाम लिखने, किसी एक की जगह कोई और जाके एग्जाम लिख रहा है, एग्जाम में कॉपी करना, आंसर की लीक हो रही है, ये सब कुछ। आज की हमारी खबर डॉक्टर राय से जुड़ी हुई है, तो आइए इस मुद्दे के बारे में एक बार गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आनंद राय को एक धरने के दौरान हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया 15 नवंबर 2022 को। ट्रायल कोर्ट के एक जज ने 17 नवंबर 2022 को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी उनको जमानत देने से 12 दिसंबर 2022 को इनकार कर दिया और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने राय को बेल दे दी। बेल इस बिना पर दी गई कि कितने समय से वो हिरासत में थे और मुद्दे के फैक्ट्स यानी तथ्य क्या थे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मध्य प्रदेश राज्य से पूछते हुए कहा कि ये इंसान एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है, आंखों के डॉक्टर हैं, व्यापम स्कैम में विसिल ब्लोअर रह चुके हैं और इन पर आरोप है कि झुंड के साथ मिलकर इन्होंने कलेक्टर पर हमला किया है, इनको कब तक अंदर रखा जाएगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कहा कि राय के खिलाफ विसिल ब्लो करने से पहले 4 से 5 FIR थी। राय की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए और उन्होंने कहा कि राय को हिरासत में सॉलिसिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया और सॉलिसिटर जनरल ने इस बात से पूरी तरह इनकार किया। तुषार मेहता ने यह भी रिक्वेस्ट करी कि राय, जो कि एक सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति हैं, उनको ऐसे धरनों में हिस्सा लेने से रोका जाए, धरनों में हिस्सा लेने से उन पर रोक लगाई जाए, लेकिन इस रिक्वेस्ट को, इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया बेंच के द्वारा। पिछले साल राय के खिलाफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज हुई थी, इस आधार पर कि उन्होंने मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर के डेप्यूटी सेक्रेटरी लक्ष्मण मरकम के खिलाफ फेसबुक पोस्ट डाल दिया था। इसे खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट ने तब मना कर दिया था। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस मुद्दे के बारे में और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।